पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना मूडापाड़े क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब दो मुस्लिम समुदाय आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे पथराव बंदूक तमंचे निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक बुजुर्ग के गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। गांव में आपसी रंजिश और खूनी संघर्ष को देख गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसमें ये सब देख पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। गांव घोसीपुरा में इसरार ने अपनी बेटी का रिश्ता रामपुर में तय कर दिया था। इसी बात को लेकर जुल्फिकार आमिर रईस तीनों आपस में सगे तहेरे भाई हैं, जिसमें रिश्तेदार को लेकर इसरार से पुरानी रंजिश के चलते और घर न बुलाने को लेकर गुस्सा चल रहे हैं। इन्हीं पुरानी बातों को लेकर दोनों आपसी परिवार में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके चलते रईस से दबंग तीनों व्यक्तियों ने कहा, अगर तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे तब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी तैश में आकर इसरार ने रामपुर से अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। रईस, आमिर, जुल्फकार और तीन रिश्तेदारों को देखकर आग बबूला हो गए। अपने घर से लाठी डंडा और तमंचा लेकर इसरार के घर पहुंच गए और जाकर मारपीट शुरू कर दी। क्या नाम है? नहीं है कि घोसीपुरा को जी। मामला ये हुआ, नमाज पढ़ने आए थे लोग, तो नमाज पढ़ के ये जो यहाँ बैठ गए, बैठने के बाद में उन्होंने जो है घर से आके डंडे बंडे लाए, इन्होंने जो डंडा चार्ज करा। कौन कौन लगाए डंडे? रईस हैं और साहब उनके लड़के हैं, क्या नाम है, अमीर अमन, और क्या क्या नाम है उनके लड़के हैं, कई जने हैं ये। फिर क्या हुआ? परिवार वाले। फिर क्या हुआ? गोली कैसे चली, किसने चलाई गोली? गोली अमीर अमन ने गोली चलाई। किसके लगी है? इस आर्मियों के। क्या हुआ फिर आगे? क्या हुआ फिर? क्या हुआ, इन्होंने हद्दबाजी करी। 0248। गांव कौन सा है ये? घोसीपुरा गांव। क्या हुआ सर यहाँ पर आज? ये इसरार की लड़की लड़के अपने मैके से आगे इनके पास नहीं, या इनके जो चपेट से हेरा उनमें कुछ आपसी लड़की के संबंध में कुछ विवाद हो गया, उसने इनका गोली गोली चल गई, घटना पड़ी है। घायल एक कुछ देखा मौके पर जब हमारे, और तो कोई अस्पताल लेके हमसे